children, myself Monica Gupta from MD International, Naigaon, Kota. I'm your science teacher. Today we will start our chapter number 3, Adaptations in Animals. So let's start our chapter number 3. When there are changes in the surrounding, such as change in climate, plants and animals also have to change to survive. This process of changing to suit the environment is called adaptation. तो बेसिकली अडेप्टेशन क्या होता है, हमें अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है उस एनवायरमेंट में सूट करने के लिए. अदरवाइज नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते. तो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सूट करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना होता है, इसी सिचुएशन को हम कहते हैं अडेप्टेशन. जैसे डायनासोर्स है, अब डायनासोर नहीं है, पहले डायनासोर्स हुआ करते थे. क्यों नहीं है? क्योंकि डायनासोर्स अडेप्ट नहीं कर पाए एनवायरमेंट को, दैट्स व्हाई दे डाइड. नेक्स्ट, adaptations to environment. हर तरीके से adaptation होता है, environment के लिए होता है, food के लिए होता है, living के लिए होता है, place के लिए होता है. तो अभी हम start करते हैं adaptation to environment. The natural home of an animal is called its habitat. जहाँ जो basically हमारा घर होता है वही हमें क्या कहलाता है, habitat. जैसे कोई animal गर्मी में deserts में रहता है तो वो उसका habitat होगा. Camel का desert क्या कहलाएगा, habitat. On the basis of their habitat, animals can be divided into 5 major groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. Habitat ke basis par hi animals ko humne 5 parts mein divide kiya, which is terrestrial, aquatic, amphibians, arboreal and aerial animals, which we will classify and describe it later. First, terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जो भी लैंड पे रहते हैं, वही एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जैसे जो पानी में रहते हैं वो होते हैं एक्वाटिक एनिमल. अगर आप देखते हैं डॉग, लायन, एलिफेंट, ये सब लैंड पे, जमीन पे चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. जैसे ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, वैसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी में जो लंग्स होते हैं लंग्स के थ्रू ब्रीथ. They have legs to move that move. उनके पैरों से ही वो लोग चलते हैं. कुछ snakes जैसे snakes होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चलते नहीं है, वो जमीन पर रेंगते हैं, crawl on the ground. Domestic animals और land wild animals हमें पता है क्या होता है. Domestic animals horses, cows, pigs, dogs. Wild animals tigers, elephants, bears. Now next. Now look at the scene. Deserts. डेजर्ट्स आर द एरिया. डेजर्ट कौन सा एरिया होता है, जो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात को क्या होता है, ठंडा. जैसे आपने जैसलमेर साइड देखो, बाड़मेर साइड देखो, वहां आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे, बट हमारी साइड आपको कोटा में आपको डेजर्ट नहीं देखने को मिलेगा. ये वो एरिया होता है. अब डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स जो वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रह सकते हैं, जैसे कैमल, कैमल होता है डेजर्ट में, रेट होता है, वो वहां के अडेप्टेशन उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं. वहां पे पानी बहुत कम होता है, लेकिन कैमल क्यों सर्वाइव करता है, क्योंकि कैमल अपनी बॉडी में 3-4 दिन के लिए पानी को स्टोर करके रखता है. जिस जगह वो स्टोर करता है उसे कहते हैं हम, HUMP, हम. कैमल पानी को स्टोर कर लेता है. कैमल की बॉडी पे बहुत लेस हेयर होते हैं, जिस वजह से वो गर्मी भी उसे सह लेता है वो काफी ज्यादा. तो कैमल हो गया. अब ये कैमल डेजर्ट में रहता है, ये चीज मैंने आपको समझाई है, वो फूड और वाटर के बिना काफी दिनों तक रह सकता है, क्योंकि उसकी स्किन पे कम बाल होते हैं, गर्मी और ठंड से बच जाता है. नाउ पोलर रीजन. अब नॉर्थ और साउथ पोल कवर्ड होते हैं स्नो से. जब नॉर्थ और साउथ पोल स्नो से कवर्ड रहते हैं, फिर साउथ, तो ये हमारे कोल्डेस्ट प्लेसेस होते हैं अर्थ पे. नाउ फूड भी बहुत कम होता है. पोलर बियर होते हैं नॉर्थ साइड पे, पेंगुइन्स होते हैं साउथ पोल से. अब आप देखो पोलर बियर कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है, तो पोलर बियर सब एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं. सेकेंड, उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं. अगर हेयर्स बहुत सारे हैं तो उनकी बॉडी कवर रहती है, जिनसे उसकी बॉडी गर्म रहती है. नाउ नेक्स्ट, अंडर द उनकी स्किन के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा उनकी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, अब उनकी स्किन के अंदर एक थिक लेयर होती है फैट की, जिसे हम कहते हैं ब्लबर. ब्लबर जो लेयर होती है वो उन्हें फैट प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से वो पूरी सर्दी में वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल में कौन रहते हैं, पोलर बियर. अब हमने आपको बताया था साउथ में कौन रहते हैं, जैसे पेंगुइन्स. तो पेंगुइन्स मोस्ट कॉमन एनिमल्स है जो आपको साउथ पोल में मिलेगा. आपको पेंगुइन्स कभी भी यहाँ राजस्थान और गुजरात यहाँ देखने को नहीं मिलते. पेंगुइन्स कहाँ रहेंगे, जहाँ विंटर, सर्दी, स्नो होती है सबसे ज्यादा. वो भी उनकी बॉडी में, जैसे पोलर बियर अपनी बॉडी में ब्लबर होता है, वो फैट होता है उनकी बॉडी में, जिससे वो अपने आप को वार्म रखते हैं, एनर्जी मिलती रहती है उन्हें.
तो ऐसे पेंगुइन्स होते हैं, उनकी बॉडी ये लोग साथ साथ में क्यों चलते हैं, ताकि इन्हें वार्म मिले, ताकि इन्हें गर्मी मिले साथ साथ. नाउ नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? दैट लिव ऑन लैंड, जो जमीन पर चलते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज एक्वाटिक एनिमल्स. मैंने आपको बताया था एक्वाटिक एनिमल्स आर दैट एनिमल्स विच लिव इन वॉटर. जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू. और एक्वाटिक एनिमल्स देखो मूव्स इजिली इन वॉटर, इजिली वाटर में मूव करता है. फिश देखो, फिश इजिली वाटर में मूव करती है, और कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल मूव नहीं कर पाता. वो ब्रीथ भी पानी में ही करती है. हम अगर पानी में जाएंगे तो ब्रीथ नहीं कर पाते, लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ इन वॉटर. नाउ नेक्स्ट, टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स व्हाइल डक्स हैव वेब फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वॉटर. अब टर्टल्स के पैडल लाइक, जैसे आप पैडल यूज करते हो साइकिल के, तो पैडल की जैसे पैर होते हैं जिस वजह से वो स्विम कर पाती है, वैसे ही डक क्या करती है? डक अपने आसपास फिट में वेब फॉर्म कर लेती है, जिस वजह से वो वॉटर में सर्वाइव करके स्विम कर पाती है. जैसे हम देखें फिश को देखते हैं, फिश किसके थ्रू स्विम करती है? फिन्स. इनके फिन्स हेल्प करते हैं फिश को स्विम करने में. द टेल्स की वजह से फिश अपने डायरेक्शन जब वो मूव करती है तो टेल्स की वजह से डायरेक्शन को चेंज करती है. और जैसे ह्यूमंस या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू. लेकिन फिश ब्रीथ करती है गिल्स के थ्रू. फिश के माउथ में नेक की साइड होता है गिल्स, जिसके थ्रू वो क्या करती है? ब्रीथ करती है. नाउ नेक्स्ट, इनकी बॉडी अडेप्टेड हो जाती है. अब पानी में हम क्यों ज्यादा देर नहीं रह पाते? क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं होती है सिचुएशन. लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स स्पेंड पूरी लाइफ वहां रह लेते हैं, और उनकी स्किन तब भी खराब नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो अडेप्टेड हो जाते हैं. उनकी स्किन के ऊपर वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, जिसकी वजह से पानी उनकी स्किन में नहीं जाता, और वो लोग लाइफ टाइम सर्वाइव कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट, वी हैव स्टडीड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स. अभी हमने हैबिटेट पे फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक. नाउ थर्ड इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी और वाटर पे भी रह रहते हैं. जैसे जो जमीन पे भी और पानी पे भी रह लेंगे वो एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस. जैसे फ्रॉग, फ्रॉग आप देखोगे पानी में भी आपको मिलेगा और लैंड पे भी आपको मिलेगा. टॉड, सैलामैंडर्स, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं एम्फीबियंस के. एम्फीबियंस किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू. एम्फीबियंस किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू. फिश किसके थ्रू करती है? गिल्स के थ्रू करती है. लेकिन पानी में, अगर ये पानी में रह रहे हैं तो ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? उनकी स्किन के थ्रू. जैसे फिश पानी में गिल्स के थ्रू करती है, लेकिन एम्फीबियंस वाटर में है तो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. These animals also have folds of skin between the fingers. इसीलिए इनको उनकी बॉडी में फोल्ड्स बना लेते हैं, जिन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? वैब कहते हैं. वैब कहते हैं, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता उसको भी हम वैब कहते हैं. अगर किसी मकड़ी ने जाला बनाया तो वो जाले को भी हम क्या कहते हैं? वैब कहते हैं. तो ये वैब लाइक एक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में ही फॉर्म कर लेते हैं. नॉन एक्स आर्बोरियल एनिमल्स, हमने एम्फीबियंस अभी कंप्लीट किया. नॉन एक्स आर्बोरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज. अब वो एनिमल्स जो सबसे ज्यादा अपना टाइम ट्री पे ही स्पेंड करते हैं वो होते हैं आर्बोरियल एनिमल. आपको बेस्ट एग्जांपल और सबसे इजी एग्जांपल होता है मंकी. मंकी आप कभी भी देखो एक पेड़ से दूसरे पेड़ और कूदता ही रहता है, हमेशा जंपिंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये एनिमल्स होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स. जैसे देखो स्पाइडर मंकीज, ऑरेंज चिगन्स एंड ट्री लिजार्ड्स कुछ एग्जांपल्स होते हैं. इनके हाथ इतने स्ट्रांग, पैर इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करते हैं. इसके अलावा इनके स्ट्रॉन्ग क्लोज, क्लोज क्या होता है? पैरों के जो नाखून होते हैं बहुत लंबे लंबे, अगर आपने किसी इंसेक्ट में देखे हो, किसी एनिमल में देखे हो, तो उसके थ्रू भी ये ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं. स्पाइडर मंकी की जो टेल होती है वो इतनी लंबी होती है कि वो फिफ्थ लिम, लिम मतलब पैर, उसके फिफ्थ लिम की तरह वर्क करता है. यहाँ देखो वो अपनी टेल से सपोर्ट से भी वो चल रहा है, भाग रहा है, जंप कर रहा है, क्योंकि उसकी टेल भी ऐसा फिफ्थ लिम वर्क कर रही है. वो एक फीट से दूसरी फीट पे जंप कर जाता है. नाउ नेक्स्ट, एरियल एनिमल्स. एनिमल्स डैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. हमने हैबिटेट, अडेप्टेशन टू हैबिटेट पढ़ा, टू एनवायरमेंट पढ़ा, जिसमें हमने फाइव टाइप्स के डिस्क्रिप्शन पढ़ा, जिसमें था टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल और एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं डैट कैन फ्लाई. जो एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं वो होते हैं एरियल एनिमल्स. जैसे बर्ड्स एंड बैट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल एनिमल्स. बर्ड्स के विंग्स होते हैं, बॉडी फैदर्स होते हैं, विंग्स के थ्रू वो फ्लाई कर पाती है. बैट्स में भी सेम यही होता है कि वो फ्लाई कर पाती है. बर्ड्स फ्लाई, अभी मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. बहुत पतली पतली सी बोन्स होती है, उनकी बॉडी को लाइट रखती है और उनको हेल्प करती है फ्लाई करने में. दे हैव टू चेंज देयर टेल हेल्प. जैसे फिश में था, फिश की टेल आपको हेल्प करती थी डायरेक्शन चेंज करने में फिश को, वैसे ही
बर्ड्स की टेल हेल्प करती है कि उनका डायरेक्शन चेंज करो और उनके फैदर्स की वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है. नाउ नेक्स्ट. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर अडैप्टेशन टू एनवायरनमेंट इन आवर लास्ट वीडियो. टुडे वी विल स्टार्ट अडैप्टेशन फॉर फूड. नाउ एनिमल्स ईट. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है जो डिफरेंट अलग अलग खाना खाते हैं. नाउ ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यही बताया आपको. अब जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, आपने पहले आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा व्हाट इज ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस. हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स, ग्रासेस, ये सब चीजें ही खाते हैं. यहाँ पर जैसे काउस, हॉर्सेस, रैबिट्स, ये सब क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ. ये मीट्स नहीं खाते, किसी और एनिमल को नहीं खाते. दे ईट ओनली प्लांट्स और ग्रास. नेक्स्ट कार्निवोरस. कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो मीट, फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का एज वेल एज ह्यूमंस का भी खाते हैं. जैसे आप देखो टाइगर हो गया, लायन हो गया. अगर आप लायन को देखा होगा, लायन फ्लैश खाता है. लायन प्लांट्स नहीं खाता, ग्रासेस नहीं खाता. उनके टीथ बहुत शार्प होते हैं, मतलब इनके टीथ इतने शार्प होते हैं कि वो फ्लैश को पूरा टियर कर लेते हैं, पूरा उस फ्लैश को फाड़ लेते हैं जो भी उनको मिलता है. जैसे ईगल्स हो गई, ईगल्स के बर्ड्स में भी क्या होता है? क्लॉज. ये जो पैर होते हैं, मैंने आपको बताया था, या नाखून जो होते हैं ये होते हैं क्लॉज. ये प्रे को पकड़ते हैं इन्हीं चीज़ों से और फिर इन्हीं से उन्हें टियर आउट करते हैं. ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ, विच ईट बोथ द थिंग्स लाइक फूड. प्लांट्स भी खाते हैं वो और फ्लैश भी खाते हैं. जैसे हर्बीवोरस विच ईट ओनली ग्रासेस, कार्निवोरस विच ईट ओनली फ्लैश, और ओमनीवोरस विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. जैसे डॉग्स, डॉग प्लांट्स भी खाएगा, फ्लैश भी खाता है, बियर भी खाता है, एंड क्राउस भी ओमनीवोरस होते हैं. नाउ नेक्स्ट पैरासाइट. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. जैसे आपने कभी सुना है बचपन में छोटे थे मम्मी बोलती थी सिर में जू लग जाएगी, तो वो क्या होती है? पैरासाइट होती है. पैरासाइट आपके सिर में होती है. इसी को क्या कहते हैं? पैरासाइट. पैरासाइट को किसी और की बॉडी चाहिए होती है खुद को सर्वाइव करवाने के लिए. किसी और की बॉडी पे डिपेंड होके वो रहता है, वो होता है पैरासाइट. द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे डिराइव देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. और जिससे वो अपना खाना खाते हैं वो कहलाते हैं उनके होस्ट कहलाते हैं. जैसे देखो टिक्स, फ्लीज, लीचेस, फ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट. यही सारे एग्जाम्पल्स होते हैं पैरासाइट्स के जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं. टैपवॉर्म इज अ पैरासाइट, जो वो हमारी बॉडी में रहता है. टैपवॉर्म होता है अगर वो एक ऐसा पैरासाइट होता है कि अगर उसको फूड चाहिए तो किससे लेगा वो? हमारी बॉडी से. पैरासाइट कॉज हार्म टू अस, टू द ह्यूमन बॉडी और टू द होस्ट. नाउ नेक्स्ट. अभी हमने पढ़ा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट. नाउ लास्ट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट दैट एनिमल्स, वो एनिमल्स जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स. जैसे एग्जाम्पल्स हैं वल्चर्स, हॉक्स एंड हाइना. इनके बहुत स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं जिस वजह से वो बोन्स को क्रैक कर पाते हैं, हड्डियों को तोड़ देते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं. नाउ नेक्स्ट, अडैप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. अब खुद को बचाने के लिए अडैप्टेशन करते हैं. अभी हमने एनवायरमेंट के लिए किया था, अब हम करें फॉर प्रोटेक्शन. आपने देखो बफेलोज झुंड में चलती है, भैंस बहुत सारी झुंड में चलती है. क्यों? बफेलोज, फिश, बर्ड्स, एलिफेंट ये ग्रुप में रहते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके एक दूसरे को. बफेलोज एलिफेंट एक सर्कल बना के रखते हैं अपने यंग वंस, इनके बच्चे जो होते हैं उनके आसपास एक सर्कल बना के रखते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. कुछ एनिमल्स डियर, आपने हिरन, डियर देखो, कंगारू देखो, बहुत फास्ट दौड़ते हैं, बहुत फास्ट रन करते हैं. क्यों? क्योंकि एनिमी से बचने के लिए उनके पास ये कैरेक्टर, ये एबिलिटी होती है कि वो फास्ट रन कर सकते हैं. जैसे टॉर्टल और स्नेल होता है, टॉर्टल स्पेशल उनकी बॉडी पे हार्ड शेल होती है, बहुत हार्ड शेल आपने देखा होगा. तो वो क्या करते हैं? जब भी डेंजर उनको फील होता है कि हाँ कुछ खतरा है हमें किसी ह्यूमन से, एनिमल से, तो वो शेल में चले जाते हैं अपनी बॉडी के शेल में. तो फिर एनिमी अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उनकी जो शेल होती है उसके ऊपर शार्प स्पाइंस होते हैं. अगर कोई भी उन्हें अटैक करेगा तो वो स्पाइंस उन्हें चुप जाते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स की बॉडी कवरिंग होती है, जैसे अब आप देखो आपने वो सुना है गिरगिट. गिरगिट हमेशा कलर चेंज करता है, अगर आपने सुना हो, ग्रीन जगह ग्रीन, रेड जगह रेड. क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी है, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए वो कलर चेंज करते हैं. देखो कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग. सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है ताकि वो सर्वाइव करे. जैसे पोलर बियर के व्हाइट फर होते हैं जो बर्फ, मैंने बताया पोलर बियर कहाँ रहते हैं? बर्फ में. तो उनकी व्हाइट फर होते हैं जिससे वो क्या लगते हैं? स्नो की जैसे ही लगते हैं. तो वो अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं. एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर ऑल्सो हैव वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ. ये तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के थे, लेकिन जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं काफी वेज में. वी हैव स्टडीड अडैप्टेशन इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए अडैप्टेशन. अब हम
पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन बिहेवियर। अपने आप में एनिमल्स काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज को डेवलप करते हैं ताकि उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रह सके। डेवलप स्पेशल हैबिट्स टू सूट देयर सराउंडिंग। जैसे एनिमल्स जो ठंडी जगह में रहते हैं वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वहां रहना कुछ एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो नहीं रह पाते, वहां खाना भी कम होता। तो जब भी विंटर स्टार्ट होते हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा खाना हो या गर्म जगह हो, तो वो वहां जाके अपने आप को सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब विंटर खत्म हो जाते हैं तो वो वापस अपनी जगह आ जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल, बेसिकली जो एनिमल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्यों? रहने के लिए, खाने के लिए, ब्रीडिंग पर्पज के लिए। तो द मूवमेंट ऑफ वन एनिमल टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ह्यूमंस भी माइग्रेट करते हैं, एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। जैसे साइबेरियन ट्रेन्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइबेरिया से ट्रेन्स इंडिया क्यों आते हैं सर? क्योंकि उन्हें साइबेरिया की ठंड से बचना होता है। जैसे स्नेक्स है, लिजार्ड्स है, कुछ फ्रॉग्स होते हैं, वो ठंड के मंथ में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, समर में ही, गर्मियों में ही वो बहुत सारा खाना खा के रखते हैं अपनी बॉडी में, जिस वजह से उन्हें सर्दी में काफी एनर्जी मिलती है, फैट मिलता है, तो वो सर्दियों में सर्वाइव कर पाते हैं। अब क्या करते हैं वो फिर सर्दी में, कि वो हाइबरनेशन क्या होता है, वो अंदर बिल में जाके छुप जाएगी या वहां सो जाते हैं। गर्मी में वो इतना खाना खा लेते हैं कि सर्दियों में वो सोते ही रहते हैं, और उनकी बॉडी में इतना फूड होता है, इतना फैट, इतना स्टार्च होता है कि उनको पूरा विंटर वो लोग स्पेंड कर पाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। दीज एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव ऑन द एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी। समर में इतना खाना खा लिया कि गर्मी में जाके छुप गए, सो लिए, और वो उस प्रोसेस को कह जाता है हाइबरनेशन। नेक्स्ट, सम एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल्स, लंगफिश, वो बहुत लंबे टाइम के लिए सोते हैं समर में, क्यों? क्योंकि उन्हें गर्मी नहीं चाहिए होती, गर्मी से बचने के लिए वो पूरे समर सोते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिवेशन। हमने थ्री टाइप्स पढ़े अडेप्टेशन इन बिहेवियर में, माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह जाना। नॉन हाइबरनेशन, गर्मियों में इतना फूड खा लेते हैं कि सर्दी में सोते रहते हैं या फिर बिल में जाके रहते हैं जिनकी उनकी पूरी सर्दी निकल जाती है, वो होता है हाइबरनेशन। और वो एनिमल्स एस्टिवेशन में आते हैं जैसे क्रोकोडाइल, जो पूरी गर्मी सोते हैं क्योंकि उन्हें हीट नहीं चाहिए। We have studied three topics in adaptations in behavior. Now next, so we have completed our adaptations in different type. Next, animals in danger. काफी सारे animals गायब होते जा रहे हैं, extinct, क्या कहते हैं उन्हें, extinct होते जा रहे हैं। क्यों? हमारी activities, हम क्या करते हैं, forest को cut कर देते हैं, forest को burn कर देते हैं, तो वहां के animals survive नहीं कर पाते क्योंकि वो उनका home होता है, उनका habitat होता है। Animals that are in danger of becoming extinct, जो भी animals गायब होते हैं, extinct होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, endangered animals। Panda tigers इसके example है endangering animals के, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, extinct होते जा रहे हैं। पहले dinosaur हुआ करते थे लेकिन वो extinct हो गए, क्यों? क्योंकि वो survive नहीं कर पाए या danger हो जाता है। जैसे हम टाइगर्स क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते, हर साल टाइगर्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हंटिंग होती है टाइगर्स की, टाइगर्स को मार दिया जाता है, शिकार किया जाता है, बाय उनकी स्किन के लिए, फॉर देयर स्किन, इस वजह से टाइगर्स भी कम होते जाते हैं। जायंट पांडा फीड्स ओनली ऑन बैम्बू शूट्स, वो सिर्फ बैम्बू शूट्स ही खाते हैं, लेकिन वो भी कम होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम फॉरेस्ट में ट्रीज को ही कम कर पाते हैं, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। Here we have completed your chapter number 3, adaptations in animals. In the next video, we will start with the chapter number 4. Thank you.